हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। वील और यू ग्रुप ऑफ स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम सभी लोग क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर 2.4 पॉलिनोमियल देखेंगे। इससे पहले 2.3 तक हो चुका है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि आगे आप लोग को समझ में सही से आए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवेन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलोज आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। मतलब कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, इसके बगल में इसके तीन जीरोज हैं, मतलब इसके तीन आंसर हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसकी है 3, तो इसके 3 जीरोज होंगे यानी 3 आंसर होंगे। तो पहले तो ये वेरीफाई करना है कि क्या इसके ये 3 जीरोज हैं। अगर हैं तो फिर आपको इनके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी जो आगे नंबर हैं, और इन जीरोज में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है 2x³ + x² - 5x प्लस 2, और इसके जीरोज हैं 1/2, 1 और -2। करना क्या है कि हम इन सारे नंबर्स को बारी बारी रखेंगे, किसमें? इस px में, और देखेंगे क्या ये px की वैल्यू पूरी जीरो आती है, तभी तो ये जीरोज होंगे। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 रखते हैं। 1/2 रखेंगे तो 1/2 रखते ही हमने देखा कि जहां पर हमारा पी एक्स था, एक्स की जगह पर 1/2 रखा, इधर साइड भी एक्स क्यूब की जगह 1/2 क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 स्क्वायर, और एक्स की जगह 1/2, और कांस्टेंट टर्म। चूंकि मैं आपको पॉलिनोमियल पहले ही बता चुका हूँ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर थी 3, सबसे बड़ी पावर 3 जिसे क्यूब बोलते हैं, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम रखते हैं, तो हमने क्या देखा, आगे 2 था और यहाँ पर 1/2 था, जो 2 2 4 2 8 होगा, और 2 8 को काटेगा तो क्या आएगा, 1/4 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पर 2 है और ब्रैकेट में 1/2 2 4 2 8, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, और यहाँ 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसी तरह यहाँ पर -5 1 जा 5 एंड 2, तो -5/2 प्लस 2, यानी कि हमारे पास 4 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 4। अब ये 4 4 को कितनी बार में काट रहा है, 1 बार में, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है ऑलरेडी। फिर यहाँ पर ये 4 इस 4 को कितनी बार में काट रहा है, 1 बार में, फिर से इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 1 को, 1 से, माइनस ये 2 इस 4 को कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में, तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 5 2 जा 10। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 1 4 को कितनी बार काट रहा है, 4 बार में, इस तो इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो 4 2 जा 8 प्लस का 8। अब बताइए, यहाँ 1 1 2 2 और 8 10, 10 में से 10 गया, यहाँ पर आ गया 10 -10/4, क्या हो गया, 0 0 आ गया, यानी इसका सॉल्यूशन है 0 आ गया, यानी इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह -2 पे चेक करेंगे, -2 रखेंगे हम x की जगह, और यहाँ -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर और -2, साथ में कांस्टेंट टर्म। अब 2 था हमारे पास पहले से, और -2 का क्यूब, -2 को 3 बार अगर हम लिखेंगे तो -2 × -2 × -2, 2 2 जा 4, -−+, प्लस का 4 इंटू -2, 4 2 जा 8, -8 × -2, तो हो गया 8 2 जा 16, -16। देखिए, जब भी कोई नेगेटिव 1 की पावर अगर इवेन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब भी नेगेटिव 1 या नेगेटिव कोई भी नंबर हो उसकी पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या था, नेगेटिव की पावर क्या थी, एक ऑड नंबर, तो आंसर में क्या आया, माइनस आया। और ये तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पर हुआ 16। देखिए, क्योंकि ये
चार है ना, बहुत ध्यान से अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -2 की पावर 2, हमने क्या बोला, इवन नंबर, इवन नंबर है तो यहाँ -2 क्या हो जाएगा, प्लस का, और 2 4। फिर यहाँ पर है माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का, और 5 2 10, फिर प्लस का 2, ऐसे ही उतार दिया गया। अब बताइए जरा इसको देखते हैं, यहाँ -16 है, यहाँ 4 10 14, 14 2 16, +16 जीरो हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ये भी इसका जीरोज है। तो हमने दो चीज चेक कर लिया, एक 1/2 और एक 1। अब तीसरा हम 1/2 चेक कर लिया और -2 चेक कर लिया, तीसरा ये 1 भी चेक करते हैं, तो 1 रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह 1, एक्स स्क्वायर की जगह 1 और एक्स की जगह 1, देखिए 2 × 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 × माइनस का 5, प्लस का 2, अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 +1 -5 +2, 2 1 3 3 2 5, यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ दें तीनों को, तो 2 1 3 3 2 5, और ये -5 साथ में है, क्या गया, जीरो। यानी कि ये तीनों ही इसके जीरोज हैं, ये तीनों ही इसके जीरोज हैं, हमें कंफर्म हो गया। अब करना क्या था, सेकेंड इसमें करना क्या था कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन निकालना था, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन निकालना था। इसको समझाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, याद करिए जब मैं आपको स्क्वायर वाला पॉलीनोमियल बता रहा था, इस तरह से कुछ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने बताया था कि एल्फा प्लस एक्स, सॉरी एल्फा माइनस एक्स के, जब हमने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हमने बताया था कि एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा है ना। और फिर जब सॉल्यूशन हुआ था तो अंत में हमें रिलेशन निकला था कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पिछले वीडियोस में इसकी प्रूविंग है, और एल्फा माइनस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यही था, ये ए एंड बी थे कोफिशिएंट किसके, जो हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ था, और ये अल्फा बीटा थे जीरोस, ये था स्क्वायर पॉलीनोमियल के लिए, यानी जिसकी पावर सबसे 2 हो बड़ी। यहाँ पर हमारे पास है सबसे बड़ी पावर क्यूब, तो देखिए हम लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा, इसमें के 3 जीरोज होंगे, एक मान लेते हैं x माइनस अल्फा, एक x माइनस बीटा, एक x माइनस गामा। अब इन तीनों जीरोज के लिए भी एक प्रूविंग है, जो आप लोग कमेंट में कहिएगा, अगर ज़रूरत होगा तो मैं प्रूव कर दूंगा। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे आता है, मैं डायरेक्ट वो बताता हूँ कि इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट आता है, जो एक आता है सम ऑफ जीरोज, एक आता है सम ऑफ जीरोज अलॉन्ग विथ 2 जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ये देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इसके लिए लिखा है माइनस बी अपॉन ए, फिर सम ऑफ 2 2 जीरोस इसके लिए सी अपॉन ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके लिए डी अपॉन ए। हिंदी मीडियम वाले जान लें मूलों का योग, दो दो मूलों का योग और मूलों का गुणन। तो हमको करना यही है कि बस इन तीनों में भी वैल्यू रखनी है और इधर बी अपॉन ए में भी रखनी है, देखनी है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास ये इक्वेशन था 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है 2, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 1, देखिए यहाँ b की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस का 1 है। c की जगह पर क्या है, -5, और डी की जगह पर क्या है 2, यानी कि हमें ए बी सी डी की वैल्यू मालूम चल गई, और ये क्या है अल्फा, ये बीटा, और तीसरा वाला गामा। हमें अल्फा भी मालूम है, बीटा भी, गामा भी, देखिए ये है हमारा अल्फा, ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये है गामा,
और हमने बता रखा है कि ये हमारा ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। तो हम बस रिलेशन निकालने के लिए इन दोनों के बीच में क्या करें, जो हमें फॉर्मूला मालूम है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ टू टू जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए हमने कर दिया, हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है एंड गामा की वैल्यू है। हमने अल्फा की जगह रख दिया 1/2, देखिए बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2। अब हमारा वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आएगा, देखिए हम करके दिखाते हैं, 1/2 + 1 एंड +1/2 + 1 -2। एलसीएम आएगा 2, 2 2 को कितनी बार में काट रहा है, 1 बार में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, है ना। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं ऐसे तो आप डायरेक्ट इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 में से 1 गया -1, वैसे ही कर देते हैं। भाई देखिए हमारे पास है 1/2 + 1 - 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, यानी 1/2 - 1। अब एलसीएम ले लें तो 2 1 2, यहाँ पर हो गया 1 - 2/2, यानी -1/2, -1/2 बचा। ध्यान से देखिए -1/2, यानी -1/2 आ गया b/a। अब देखते हैं b की वैल्यू क्या थी और a की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी और a की वैल्यू। तो b की वैल्यू याद करिए और a की वैल्यू याद करिए, क्या 1 और 2 में थी। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2। और याद करिए सम ऑफ जीरोज़ क्या था, सम ऑफ जीरोज -b/a, यही तो था, यानी -1/2, इधर भी -1/2 और उधर भी -1/2 ही आया था, तो यानी कि -1/2 = -1/2 प्रूव हो गया, -1/2 = -1/2 प्रूव हो गया। अब देखिए सम ऑफ टू टू जीरोज क्या है, क्या है देखिए, हमारे पास अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1, फिर ये हो गया देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2 ही, ठीक। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यानी कि हमारे पास बचा 1/2 और माइनस माइनस होता है प्लस, साइन लगता है बड़े वाले का, 2 1 3 हो गया, साइन लगता है बड़े वाले का, यहाँ माइनस है। अब हमारे पास है 1/2 - 3, क्या हो जाएगा 1/2 - 3, 1/2 - 3 क्या हो जाएगा, 1/2 - 3 क्या आ जाएगा, 2 3 6, है ना, एलसीएम ऐसे ही लेते ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं अगर नहीं आप लोग को करना है तो 1 - 2 3 6/ और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 1 2, अब 6 में से 1 गया तो -5/2 - 5/2, देखिए -5/2 c/a है, वहाँ पर भी आप लोग चेक करिएगा c/a की वैल्यू -5/2 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आप तीनों वैल्यूज़ को पुट करिए और हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं 1/2, 1 एंड -2, तीनों को हम रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 1 और 1 बचेगा, एक माइनस का, तो माइनस का 1/1 होगा। आप डी की वैल्यू देखेंगे, डी की वैल्यू देखेंगे तो होगा 2 और ए की वैल्यू है 2। तो जब आप रखेंगे 1/1, चाहे 1/1 रखो और वहाँ पर 2/2 काटोगे तो 1/1 ही आएगा, यानी कि ये भी बराबर आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोग समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 -7 - 14। इसका मतलब यह है कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बताइए,
जिसके जीरोस का सम दिया हुआ है, जिसके जीरोस का सम दिया हुआ है और उनके टू टू जीरोस के टेकन टू एट अ टाइम वाला लिखा हुआ है, टू टू जीरोस का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। अभी कैसे दिया है कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो दिया है टू, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा दिया हुआ है, गामा अल्फा दिया हुआ है वो दिया है माइनस सेवन और अल्फा बीटा गामा दिया है माइनस फोर्टीन। आप क्या करोगे, सबको कंपेयर कर लोगे, माइनस बी अपोने सी अपोने डी अपोने, चूँकि सबके नीचे कुछ नहीं था तो हमने वन मान लिया, सबके नीचे वन है यानी ए की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे वन आ गई, ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू माइनस टू आ गई, दिख रहा है ना, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू माइनस सेवन आ गई और डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू फोर्टीन आ गई क्योंकि दोनों तरफ माइनस था कट गया। अब ए बी सी डी सब मालूम है तो हमारे पास पहले ही से मालूम है, पहले ही हमें मालूम है इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। रख दीजिए ए की वैल्यू वन तो वन एक्स स्क्वायर हो गया और वन की मल्टीप्लाई करने वन एक्स क्यूब हो गया, सॉरी वन की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। माइनस बी की वैल्यू क्या थी टू और माइनस टू थी टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सेवन और प्लस फोर्टीन। समझ में आ रहा होगा मैं ये सब वैल्यू रख रहा हूँ, ये सब वैल्यूज़ को यहाँ यहाँ रख रहा हूँ, सी को यहाँ रखा हूँ, बी को यहाँ और ए को यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। बस ये कोई भी पॉलीनोमियल निकल गया। अब कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल दिस आर दिस देन फाइंड ए एंड बी, इसके जीरोज दिए हैं तो ए और बी को फाइंड कीजिए। तो हमें क्या करना है कि जीरोस दिया हुआ है, हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस यानी जो तीन जीरोस हैं इनको जोड़ें तो एक हो जाएगा सम ऑफ जीरोस में, एक हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी, वो किसके बराबर होना चाहिए बताइए, माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए इसमें से ढूंढना है तो इसमें माइनस बी क्या है, माइनस का थ्री तो यानी माइनस इंटू माइनस थ्री, ए क्या है वन। अब यहाँ से ये बी और ये बी कट गया, यहाँ पर वन 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 मतलब वन ए वन ए वन ए थ्री ए बराबर माइनस माइनस प्लस का थ्री, थ्री से थ्री कटा ए बराबर हो गया वन, ए बराबर हो गया वन। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दूसरे वाले की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ए माइनस बी ए ए प्लस बी बराबर होता है, देखिए पहला होता है माइनस बी अपॉन ए, फिर होता है सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस का डी, डी क्या है वन अपॉन वन हमने रख दिया। अब ए की वैल्यू अभी भी निकली थी, ए की वैल्यू क्या निकली थी वन निकली थी, वन रख दीजिए तो वन माइनस बी वन वन प्लस बी इस तरह से हुआ बराबर माइनस वन। अब वन माइनस बी और वन प्लस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाले से फॉर्मूला से वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन। अब यहाँ से बन जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन माइनस वन, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस टू, माइनस से माइनस कटा तो बी बराबर अंडर रूट टू, प्लस माइनस कर लेते हैं अंडर रूट टू। तो देखिए आ गया हमारा वैल्यू, आ गया वैल्यू यहाँ पर, जैसे मैंने बताया वैसे आप करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हमारा जो प्लस माइनस का टू आया, जिसको हम बी को प्लस भी बोल सकते हैं और माइनस भी बोल सकते हैं, वही पूछा था कि ए और बी की वैल्यू बताइए, तो ए की वैल्यू मैंने वन बताई थी और बी की वैल्यू प्लस माइनस का टू, जिसे हम प्लस भी बोल सकते हैं और माइनस भी बोल सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है गिवेन दैट टू प्लस रूट थ्री एंड टू माइनस रूट थ्री आर द जीरोज ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल,
2 plus root 3, 2 minus root 3 are the zeros of given polynomial. So 2 minus 3 and 2 plus root 3 is a factor of polynomial. ठीक है, सॉरी ये आंसर है, क्वेश्चन ये है. इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, मतलब कि कह रहा है टू जीरोज इसके ये हैं. अब इसी में दो है, एक बार है टू प्लस रूट थ्री और एक बार है टू माइनस रूट थ्री. टू जीरोज दिए हैं और टू जीरोज हमें पता करना है. तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें टू जीरोज दिया हो, टू जीरोज पता करना है, तो आपको मन में सोच लेना है कि मुझे डिवाइड करना है. अब जो टू जीरोज दिए हैं उन टू जीरोज से एक आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है, और पुराने वाले पॉलिनोमियल को जिसके लिए दो जीरोज और पता करने हैं उसको डिवाइड कर देना है. नया बनाना कैसे है, हम जानते हैं x की वैल्यू एक बार हो सकती है टू प्लस रूट थ्री और x की वैल्यू एक बार हो सकती है टू माइनस रूट थ्री. जब ये चीज़ RHS में जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो दो नए पॉलिनोमियल बनेंगे इस तरह से. इस तरह से दो नए पॉलिनोमियल बनेंगे. देखिए जो इक्वल जीरो था इधर आ गया, मतलब सॉरी इक्वल टू प्लस रूट थ्री था इधर आ गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी कह सकते हैं. कह सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है कि प्लस है या माइनस है. तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ ये ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे होगा. ठीक है, चाहे तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आएगा. मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमारे पास है टू एक्स इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और एक्स इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री. जब इधर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री. देखिए ये a प्लस बी, ये a माइनस बी काम कर रहा है ना. फिर जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों को करना है ना. तो a प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री होता है. अब इसको खोल लीजिए तो ये चूंकि a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जा फोर एक्स और माइनस थ्री क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, चार में से तीन गया एक प्लस का एक, ये बन गया यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, चार में से तीन जाएगा तो बन जाएगा एक. ठीक, तो अब देखिए हमारे पास फैक्टर पता चल गया ये. अब इसी से इसी से डिवाइड कर देना है किसको, जो दिया हुआ था जिसके लिए दो जीरोज और फाइंड करने थे. तो कैसे डिवाइड करेंगे सोचिए, हम जैसे डिवाइड पिछले वाले एक्सरसाइज में करते थे वैसे ही डिवाइड करेंगे. यहाँ पर देखिए डिवीज़न फिर से आ गया. तो डिवाइड करने के लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा. फिलहाल मैं बता देता हूँ करना क्या है, जो हमें दिया हुआ था उसको डिवाइड करना है जो हमने बनाया है, जो हमने बनाया है. चूँकि ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ भी सकते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ. अब हमें पहले वाले डिजिट के बराबर करना है इसको, किसको एक्स स्क्वायर को. तो एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर चार करना है, एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर चार करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से ही करेंगे. तो हमने एक्स स्क्वायर से कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन हम सिर्फ अब एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स स्क्वायर से ही थोड़ी ना करेंगे, पूरे से करेंगे जैसा कि हम जानते हैं. तो हमने किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो आ गया एक्स की पावर चार. फिर एक्स स्क्वायर को फोर एक्स से किया तो हो गया माइनस फोर एक्स क्यूब. फिर एक्स स्क्वायर को वन से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया. सबको हमने नोट कर लिया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, कट गया ये. यहाँ माइनस का सिक्स एक्स क्यूब में से प्लस का सिक्स एक्स क्यूब जाएगा, प्लस का फोर एक्स क्यूब, तो बचेगा माइनस का टू एक्स क्यूब क्योंकि बड़ा है छः. इसी तरह 26x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर और आएगा क्योंकि दोनों माइनस हैं, तो माइनस का 27x स्क्वायर. फिर क्या है, क्योंकि 26 प्लस 1 27. अब क्या है, इस 138 को यहाँ पर हम पुट कर लेंगे और 35 को यहाँ पर कर लेंगे. अब ऐसा पहला नंबर क्या है हमारा,
पहला नंबर है 2x³, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें 2x से, वो भी माइनस के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x³ आ जाएगा ना, तो यानी माइनस 2x हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर किए तो माइनस का 2x³, यहाँ पर किए तो 2 × 4 = 8 और माइनस माइनस प्लस और एक्स 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 स्क्वायर, फिर यहाँ पर किया हमने तो 2 × 1 = 2 माइनस का 2x, चेंज करेंगे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये दोनों कट गया, और यहाँ पर माइनस का 27x² देखिए वो ध्यान से, माइनस का 27x² और ये जो प्लस का 8x² था इसमें साइन हमने चेंज कर दिया है क्योंकि घटाते समय साइन चेंज करते हैं, तो 27 में 8 आ जाएगा तो हो जाएगा 35 और माइनस का 35 यहाँ पर पुट हो गया, बाकी हमने जो 138 था उसको भी 2 से हमने ऐड किया क्योंकि साइन चेंज हो गया था, तो 138 प्लस 2 140 हो गया और 35 को एज इट इज़ हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमारे पास है सबसे आगे 35, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर, 35 एक्स स्क्वायर माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, हमको लाना क्या है, हमको तो लाना है माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो हम माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस के 35 को 4 से करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 12 × 13 = 14 = 140, फिर 1 को 35 से करेंगे माइनस 35, अब देखिए यहाँ पर सब में साइन चेंज होगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, कट गया, ठीक कट गया, जीरो आ गया, यानी कि इसका अदर फैक्टर क्या आ गया, ये अदर फैक्टर, दो फैक्टर तो दिया हुआ था और दो बचे हुए फैक्टर क्या आ गए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास जीरोज निकल आएंगे जैसे हम लोग करते थे, तो कैसे करते थे सोचिए, 35 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, 35 × 35 बीच वाले वैसा तोड़िए कि 35 है, क्या कह सकते हैं सोचिए कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको गुणा करेंगे तो 35 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए, बेसिकली यहाँ पर हमें घटाना ही पड़ेगा, जोड़ने पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 8th 9th में आप लोग ने पढ़ा होगा इसलिए इतना डीप मैं नहीं बता रहा हूँ इसे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सोचिए यहाँ पर हम 7x माइनस 5x लिख दें और फिर माइनस का 35, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, x माइनस 7 एंड x प्लस 5, ये हमारे पास हो गया x माइनस 7 x प्लस 5, यानी कि x माइनस 7 x प्लस 5 एक बार हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 ये पहला जीरो, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5 ये जीरो दूसरा जीरो, चार जीरोस पता चल गए, 7 − 5 और बाकी दो तो दिया हुआ था है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ − 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस एंड रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब ये कह रहा है एक पॉलिनोमियल दिया है जो ऊपर दिया है वो अगर दूसरे पॉलिनोमियल जिसमें k कंसिस्ट करता है उससे डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है x प्लस a, तो k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू बताइए, याद करिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम जो पढ़ा था यूक्लिड्स लेमा वाला उसमें ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है, तो आपने रख दिया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, अब डिविडेंड इस रिमाइंडर को इधर ला दिया, नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ला दिया, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइज इनटू कोसाइन, याद करिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है जो डिवाइड हो रहा हो, तो डिविडेंड जो हमारा बड़ा वाला था उसको हमने लिख लिया, रिमाइंडर क्या था जो अंत में बच रहा हो, रिमाइंडर को लिख लिया,
रिमाइंडर को लिख लिया क्योंकि माइनस में था और रिमाइंडर हमारा x प्लस ए था ना, तो दोनों तरफ माइनस हो गया, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू। अब क्या है यहाँ पर डिवाइजर, डिवाइजर ये लिख दिया पूरा प्लस कॉसेंट, डिवाइजर प्लस कॉसेंट, तो डिवाइजर लिख दिया और कॉसेंट लिख दिया। यहाँ पर एक बार आप लोग और देख लीजिए कि डिविडेंड, डिवाइजर, कॉसेंट, रिमाइंडर क्या दिया है। ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, देखिए मैं लिख देता, ये है डिविडेंड, डिवाइजर और ये हमारा रिमाइंडर और कॉसेंट हम मान लेते हैं, तो क्या हो गया। ठीक, तो चूंकि यहां पर हमने पूरा जो लिखा है अभी इधर साइड हमने डिवाइजर इनटू कॉसेंट नहीं लिखा है, इसी को हमने जो है जैसे सॉल्व हो रहा है वैसे सॉल्व कर लिया है। ये विल बी डिविजिबल बाय दिस होगा डिवाइजर से, है ना, डिवाइजर से डिविजिबल होगा, तो हम इसको लिखते हैं किसको, जिससे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से, किसको डिवाइड करना है इसको, डिवाइड करते हैं सेम प्रोसेस। ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत होगा लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ तक आप बस समझ लीजिए कि अब जो डिवाइजर था उससे हमें इस डिविडेंड को डिवाइड करना है। बहुत ध्यान से देखिए, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही हमारा कॉसेंट होगा। तो सबसे पहले है एक्स पावर फोर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स पावर फोर आएगा, यहाँ पर टू एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर आएगा, भाई के को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो के एक्स स्क्वायर आएगा, लिख दिया हमने, लिख दिया और साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स पावर फोर, एक्स पावर फोर कट गया, सिक्स एक्स क्यूब में टू एक्स क्यूब जो है चला गया, फोर एक्स क्यूब बचा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर में के एक्स स्क्वायर चला गया तो सिक्सटीन माइनस के और एक्स स्क्वायर बचा, क्यों, क्योंकि नहीं जा रहा है ना, सिक्सटीन के तो कोई नंबर था नहीं, तो सिक्सटीन तो लिखेंगे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे लिखेंगे, जिसमें से हम सिक्सटीन माइनस के ऐसे लिख दें और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो कुछ यही बचेगा। अब हमारे पास माइनस का 26 जो था उसको हमने नोट डाउन कर लिया, किससे करेंगे, अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का 4x क्यूब, किससे करेंगे, हम करेंगे माइनस के 4x से, यहाँ पर देखिए माइनस के 4x से, माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 जब x से होगा तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, फिर माइनस का 4x 2 से होगा तो 4 टू जा 8x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x प्लस के से होगा तो 4kx, साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कट गया, यहाँ पर फिर से क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर से क्या होगा, इन दोनों को तो घटाना है ना, इन दोनों को तो आपस में घटाना है क्योंकि यहाँ देखिए 8 जो है माइनस का हो चुका है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 16 माइनस के माइनस 8, 16 में से 8 गया तो बचा 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर के लिए, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो चीज़ होता है वही लाना होता है, तो 8 माइनस के से ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 माइनस के, अब 8 माइनस के मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर से तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के करेगा माइनस के 2x से तो 8 माइनस के करेगा माइनस के 2x से तो हो जाएगा 8 माइनस के और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 8 जा 16 माइनस 2 2 जा 4k, फिर तो 8 माइनस x x से कर लिया, 8 माइनस x माइनस 2 से करेगा, फिर 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेगा के से, तो 8 माइनस के मल्टीप्लाई करेगा के से,
तो 8k माइनस के स्क्वायर, सब कुछ यहाँ पर वैसे ही लिख दिया गया है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर फिर से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने के लिए आप हर बार एक रफ में कर लीजिए यानी अलग, तो माइनस का 26 माइनस 4k बचा था, ये माइनस करने के बाद बचेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बचा क्या है यहाँ पर, माइनस का 16 माइनस 2k, और दोनों के बाहर जो x था वो हमने बड़े ब्रैकेट में बाहर कॉमन ले लिया, x दोनों के बाहर देखिए x है ना, x बाहर, माइनस का 26 माइनस माइनस प्लस का 4k, माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस का 2k, 26 में से 16 क्या होगा, चूँकि देखिए यहाँ सॉरी ये प्लस का हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस ही प्लस, 26 में 16 गया तो कितना बचा, माइनस का 10। 4k में जो हमारा 2k है, क्योंकि माइनस 2k पहले से था तो ये माइनस ही रहेगा, 4k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2k और बाहर x रहेगा, तो यहाँ माइनस का 10 प्लस 2kx। बगल में क्या है अपना, बगल में है ये कॉन्स्टेंट टर्म, इनको भी हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लिख लिया हमने 10 माइनस ए, देखिए फिर माइनस का 8k और माइनस माइनस प्लस का k स्क्वायर, ये ही जो था, अब इसके बाद ये कटेगा नहीं कटेगा, ये ही जो था हमारा, दिस विल बी, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस विल बी ज़ीरो, यही हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, जीरो बचना चाहिए था ना, तो जीरो जब बचेगा कंपेयर कर देंगे हम, चूँकि यहाँ पर है माइनस 10 प्लस 2kx प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर और यहाँ पर है ज़ीरो, यानी कि ये भी पूरा ज़ीरो है, ये भी पूरा ज़ीरो है। कंपेयर करेंगे माइनस 10 प्लस 2k बराबर ज़ीरो से, तो 2k बराबर 10 और k बराबर 5k बराबर आ जाएगा 5, बस यही आंसर है आपका, आगे इसको करने की आवश्यकता नहीं है, k बराबर 5। एक और जो दूसरा है उससे आप करेंगे तो k बराबर 5 या k बराबर माइनस 5 है, हाँ करना ही पड़ेगा, कर लेंगे। इसको भी हम ज़ीरो से कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों तरफ ज़ीरो है ना, जब इसको भी हम ज़ीरो से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है k की वैल्यू 5 आ गई है, और a की वैल्यू फिर निकालने के लिए हम यहाँ पर आप लोग देखिए k की वैल्यू 5 रख दी जाएगी और बराबर ज़ीरो से कंपेयर किया जाएगा, तो a की वैल्यू प्लस 5 या माइनस 5 आएगी। चलिए आगे का क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में करेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।